बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019। ऑफिस 2016 और 90 में डिफरेंस क्या है? कोई ख़ास हमें फ़र्क नहीं है, फ़र्क ये है कि कुछ फीचर्स नए आए हैं। और 2016 में आपके पास टैब्स हुआ करते थे, 2019 में आपके पास एक और टैब ऐड हो चुकी है जो कि मेन्यू के नाम से। तमाम टैब्स के तमाम कमांड्स अब उसी मेन्यू के अंदर मौजूद होंगे। कुछ नए फीचर्स भी साथ आए हैं इसके। तो आते हैं सबसे पहले एक्सेल को देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या, यूज़ किस लिए की जाती है? ठीक है, हम लोग यहाँ पर फाइनेंस का जो भी काम हो, ठीक है, जो भी चार्ट बनाना हो, टाइम टेबल डिज़ाइन करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे इन्हें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर ही परफॉर्म करते हैं तमाम टास्क। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट आगे पढ़ते हैं कि इसे स्प्रेडशीट क्यों कहा जाता है। ये आपसे पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सबसे पुराना नाम बता दें, तो इसका नाम था लोटस 1-2-3। इसको पढ़ते हैं, इन्हें डिस्कस भी कर लेंगे इंशाल्लाह। Microsoft Excel is a spreadsheet program that means it used to create a text. जो भी टेक्स्ट टाइप करते हो, लिखते हो, उसके ग्रिड्स आप डिज़ाइन करते हो, उसको रोज एंड कॉलम्स में ले आते हो, चाहे आपके पास नंबर्स हो, टेक्स्ट हो, फार्मूला हो, या कोई ख़ास यंग कैलकुलेशन आपने की हो, दैट्स एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फॉर मैनी बिजनेस। इसे लोग यूज़ करते मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए, मकासद के लिए यूज़ की जाती है। विच यूज़ इट टू रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर, इनकम प्लान, बजट चार्ट, डेटा एंड सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट। अब यह है कि हमारे पास मैथ रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, कोई बजट रिलेटेड या कोई बैलेंस शीट डिज़ाइन करनी हो, बनानी हो, तो सारे एमएस एक्सेल के अंदर हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो आते हैं यहाँ पे एमएस एक्सेल को पहचानना हो तो साथ ही इसके एक्सटेंशन वगैरह भी पहचान लेते हैं। लास्ट सेक्शन में मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पढ़ाई थी, तो आते हैं उसी नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास एप्लीकेशन एक्सेल हो तो एक्सेल में हमारे पास, मैं जस्ट यहाँ पे नेम इसके चेंज कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, फाइंड में यहाँ पे मैं वर्ड टाइप कर लेता हूँ, सॉरी रिप्लेस कर ले, या मैं वर्ड टाइप कर लेता हूँ। इस वर्ड को आप यहाँ पे एक्सेल में रिप्लेस कर ले, जहाँ जहाँ पे भी वर्ड होगा उसे आप वन बाय वन, बल्कि रिप्लेस ऑल कर ले, सबको एक्सेल में यहाँ पे कन्वर्ट कर ले। अब इसकी जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में वन बाय वन बताऊँ तो बेहतर ही रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 जिसकी एक्सटेंशन है हमारे पास पहचान, इसकी थोड़ी से पे ले आते हैं। इसकी एक्सटेंशन है .xlsx। सेम ये एक्सटेंशन यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में भी है .xlsx, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में इसके एक्सटेंशन .xlsx। 2010 में भी सेम ही एक्सटेंशन आएगी .xlsx। 2007 में इसके एक्सटेंशन .xlsx, मगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में इसके एक्सटेंशन .xls ही होगी, एक्स नहीं होगी यहाँ पे इसके साथ। सेम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2000 में, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2000 से याद आया कि यहाँ पे गेम हुआ करती थी, मुझे बड़ा बखूबी याद है। मैं गेम नहीं खेलता, न मुझे गेम आते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक गेम खेलते थे। अब मुझे इसके रो कॉलम याद नहीं पड़ रही कि वंस, एक मिनट मैं इसे चेक कर लेता हूँ, याद पड़ रहा है कुछ W के नाम से था, एक्सेल
कार गेम, कार गेम जी अब याद है, डब्ल्यू सी करते थे हम लोग, डब्ल्यू सी 2000 के नाम से, बिल्कुल बिल्कुल याद है, यहाँ पे लिखते थे हम लोग डब्ल्यू सी 2000 से ये गेम हुआ करते थे। डब्ल्यू सी कॉलम के ऊपर आते थे, 2000 हमारे पास रोज़ होती थी तो ये कार वाली गेम चलती थी, शायद की थी यहाँ पे लिखी हो इसकी डब्ल्यू सी में इंक्लूड, बिल्कुल यही थी, खैर गेम के लिए नहीं आते। तो यहाँ पे भी इसकी एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएस थी, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97 में भी सेम एक्सएलएस थी, मगर यहाँ पे एमएस एक्सेल नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97 से पहले लोटस 1, 2, 3 के नाम से एप्लीकेशन हुआ करती थी, जिसकी एक्सटेंशन थी 1, 2, 3। चेक करते हैं गूगल के ऊपर आए, यहाँ पे लोटस 1, 2, 3, लोटस 1, 2, 3 यह आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2000 बल्कि सॉरी 97 से पहले ये एक्सेल हुआ करती थी हमारे पास, जिसकी एक्सटेंशन डॉट 1, 2, 3 थी। आप स्किप कर ले, यहाँ पे आ जाए माइक्रोसॉफ्ट सॉरी लोटस 1, 2, 3 एक्सटेंशन, इसकी एक्सटेंशन चेक कर लेते हैं, एक्सटेंशन कहाँ पे मिलेगी है मुझे नज़र नहीं आ रही, ये डॉट 1, 2, 3 ठीक है, डॉट 1, 2, 3 के नाम से इसकी एक्सटेंशन होती थी हमारे पास। तो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में लोगों ने बात कर ली, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह इसके लिए हमें फर्दर या हम टॉपिक्स और भी पढ़ेंगे, सिर्फ इसके इन्वायरमेंट में बताता चलो, दिखाता चलो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना हो तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, टास्क बार के ऊपर जैसे मैंने पिन किए क्लिक कर ले, आपके पास एक्सेल 2019 ओपन हो जाएगी, ये इंटरफेस आपके पास आएगी इनिशियल। मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ, स्टार्ट से ओपन करना चाहते हो जस्ट यहाँ पे टाइप कर ले एक्सेल, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। अगर आप कहना चाह रहे हो कि नहीं मैं रन से ओपन करना चाहता हूँ, तो आप रन से भी सेम वही एक्सेल ही टाइप करके ओके कर ले या इंटर कर ले। जो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 ओपन करते हो तो ये इंटरफेस आपके पास आ जाती है। इसके बाद डिफरेंट टेम्पलेट्स और डिज़ाइन पड़े हुए हैं, आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हो, मगर फर्स्ट इनिशियल हम लोग यहाँ पे ब्लैंक वर्क बुक ओपन करते हैं। जैसे हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया था, यहाँ पे ब्लैंक वर्क बुक ओपन करते हैं, क्योंकि बुक के अंदर इसके पेजेस आते हैं, इस पेज को यहाँ पे शीट कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट हुआ करते थे, डॉक्यूमेंट के अंदर पेजेस होते थे, यहाँ पे पेज को शीट कहा जाता है, लेकिन ये शीट बहुत वसी एंड स्प्रेडशीट कहा जाता है, क्योंकि इसका नाम ही यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मेरे पास होम इंसर्ट पेज लेआउट फार्मूला डेटा रिव्यू व्यू टैब्स आ रहे हैं यहाँ पे, साथ में इसे यहाँ पे कुछ यहाँ पे बताता चलूँ, इसके कुछ फीचर्स मैंने अपडेट नहीं किए, ठीक है, वर्ड के कुछ वहाँ पे फीचर्स अपडेट कर लिए, अकाउंट का कुछ इश्यू चला था। तो आपके पास एक्सेल 2016 और 19 में डिफरेंस कुछ ही है, थोड़े से फीचर्स नए अपडेट्स आए हैं इसके साथ, बाकी सेम वही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे इसके लेआउट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अस्सलामुअलैकुम।